होटल धर्मशाला भी है और जैन धर्मशाला भी है, जहाँ पे सबसे सस्ते रूम कहा जाता है कि यहाँ पे 250 रुपए के रूम भी मिल जाते हैं। तो शिमला में बर्फ है भाई, अभी बर्फ है, जाकू साइड ना पूरी मेरे को वाइट दिखाई दे रही है। तो गाइज अभी मैं पहुँच चुका हूँ उत्तर रेलवे स्टेशन, जो आपका शिमला का है। ये शायद मैंने अपने व्लॉग में पहली बार लिया होगा, क्योंकि जितने भी हमारे लोग आते हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर आते हैं, वो सारे रेलवे से आते हैं, जो टॉय ट्रेन से सफ़र करते हैं। और अभी मैं पहुंच चुका हूँ शिमला, और वेलकम है आप सभी का न्यू व्लॉग में। तो देखो यहाँ है आपका रेलवे स्टेशन है ना, ये देख लो आप, और सामने ही आपका शिमला है। कितना डिस्टेंस रहेगा और कितना नहीं रहेगा मैं आपको अभी बताता हूँ कि कितना डिस्टेंस रहेगा कितना नहीं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग, और अभी आपको बताया जाएगा कि शिमला में कितनी बर्फ़ है कि नहीं है। थोड़ा सा ही चलने के बाद आप पहुंच जाओगे विक्ट्री टनल के पास। सामने आपको सामने वहां पे विक्ट्री टनल है, जहां से आपकी कुफरी और नारकंडा के लिए आपको बसेस मिल जाती है, और वहीं से होके आपको जाना पड़ेगा नारकंडा कुफरी। और बर्फ़ देखो आप, पर अभी सूर्य भगवान जी है, अभी आपको पता नहीं लगा कि बर्फ़ कितनी है। तो मैं आपको बताऊँ कि बर्फ़ अभी जाकू साइड है। आज है आपकी 21 तारीख 21 जनवरी। चलो यहाँ से चलते हैं पहले शॉर्टकट। आज है 21 जनवरी तो बर्फ़ काफ़ी है जाकू साइड, और मॉल रोड साइड तो आपको मुश्किल ही मिलेगी, और रिज पे तो आपको मुश्किल ही मिलेगी। बाकी मैं अभी जा रहा हूँ कुफरी, उसके बाद मैं आऊँगा शिमला। पहले देखते हैं भाई कुफरी में कितनी बर्फ़ है कितनी नहीं है, और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा मैं भी कितनी बर्फ़ है कितनी नहीं। तो अगर आप जैसे ना बात कर रहा था ना मैं, कि अगर आप टॉय ट्रेन में आते हो और यहाँ पे उतरते हो, अगर आपने टैक्सी नहीं की, आप चाहते हो कि आप वॉकिंग डिस्टेंस से ही आप पहुँच जाओ, तो आपको मात्र 10 मिनट लगेंगे सिर्फ, और कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप इजीली पहुँच जाएंगे जहाँ आपका होटल होगा। क्योंकि मुझे पता है कि सबके होटल मॉल रोड के पास ही होते हैं और ओल्ड बस स्टैंड के पास ही होते हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जैसे गुलमर्ग होटल हो गया, अभी हमारे को सब्सक्राइबर आए वहाँ पे गुलमर्ग होटल में रुकेंगे, वो पास में ही है, और सुख सागर होटल वो भी पास में ही है, और आपके जो बुटेल धर्मशाला जैन धर्मशाला सारी धर्मशाला यहीं पे है। ये देखो आप, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा ना आपको, मैं अभी आपको क्या बोला, ये देखो जब आपको दिखाई नहीं दे रहा तो क्या देखेंगे आप। बस लो जी हम पहुँच चुके हैं विक्ट्री टनल के पास, बातें करते करते। तो देखो पहुंच के ना विक्ट्री टनल के पास, ये जाएगा आपका सीधा ही रिज को और मॉल रोड को, ये वाला रास्ता। और जो ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है, ये है आपका विक्ट्री टनल। विक्ट्री टनल से ही होके आप कुफरी और नारकंडा जाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ से आपको बस मिल जाएगी कुफरी और नारकंडा के लिए। कुछ सब्सक्राइबर पूछते हैं ना, लोग पूछते हैं कि हमें बस कहाँ से मिलेगी, तो विक्ट्री टनल इस पॉइंट को बोलते हैं, ये वाला पॉइंट जहाँ पे आप बस रुकेगी ना, इसको बोलते हैं विक्ट्री टनल, और पता भी लग जाएगा। और यहाँ से आप सीधा ही रिज पे और मॉल रोड पे पहुँच जाओगे। तो भाई अभी मैं पहुँच चुका हूँ फिर विक्ट्री टनल के पास, अब एग्जैक्ट जो है आपकी विक्ट्री टनल है, यहाँ से मैं बस लूँगा कुफरी के लिए। तो शिमला में बर्फ़ है भाई, अभी बर्फ़ है, जाकू साइड ना पूरी मेरे को वाइट दिखाई दे रही है। शायद आपको कैमरे में दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा, ये शायद आपको दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही है, मैंने तो गूगल लगाया ना। तो देखो वाइट दिखाई दे रही होगी आपको, जो जाकू की पूरी साइड है ना ये वाली, ये पूरी वाइट है। तो इसका भी व्लॉग आपको अब नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, अब मैं जो वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट वाली उसमें आप देखना। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, मैंने कुफरी जाना कैंसिल कर दिया, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, बस आई नहीं सुबह से, मुझे लग रहा है क्योंकि आगे ना फागू में रोड क्लोज होता है, अभी बता रहे हैं कि ये रोड क्लोज है सुबह से ही, तो अब वहाँ जाना तो फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा, अगर मैं वेट करूँगा तो फिर टाइम ज़्यादा होगा। तो मैंने सोचा है कि आपको मैं ये आज शिमला का ही टूर करवाता हूँ, और बताता हूँ कि शिमला में कितनी बर्फ़ है। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि जाकू बर्फ़ है, तो भी चल के देखते हैं कि कितनी बर्फ़ है कितनी नहीं है, तो शिमला का टूर आप देखोगे। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपसे मिलता हूँ। मैंने बहुत बार देखा है, तो अभी और ज़्यादा स्नोफॉल होने दो, अभी तो शुरुआत हुई है, तब हम कुफरी का टूर करेंगे। अभी हमने नारकंडा का किया, शिमला का हमने कवर नहीं किया, क्योंकि शिमला में मेरे को कोई भी स्नोफॉल देखने को नहीं मिली इतने दिन से, और कल ही
स्नोफॉल हुआ है, वैसे तो रात को भी हुआ था स्नोफॉल, तो अभी देखते हैं कितनी स्नो है जाखू में जाके, कितनी नहीं है और कहाँ पे है बर्फ और कहाँ पे नहीं है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अभी जा रहा हूँ मैं ओल्ड बस स्टैंड और सामने आपका भैया ये वाला ना, ये जाएगा गुलमर्ग होटल के लिए रास्ता, ये वाला। अब उन भैया का मेरे को नाम नहीं याद आ रहा जो 27-28 को आएंगे, जिनकी बुकिंग भी है, तो ये जाता है गुलमर्ग होटल के लिए। और आप रेलवे स्टेशन जाओगे तो रेलवे स्टेशन से भी आप पैदल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो 5-10 मिनट लगते हैं, 5-10 मिनट चलने का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें तो चलने की आदत है ना, बट आप लोगों को ऐसा हो सकता है भैया भाई नहीं आदत हो। देखो शिमला में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है ना, कोई भी परेशानी, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, निखिल भाई हिमाचल मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है। अगर उस पर कॉन्टैक्ट नहीं होता है ना, कई लोग बोलते हैं कि भैया उस पर हमारा कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो आप ऐसा करिए मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से मुझे मेल किए और अपना नंबर तो सेंड कर दो, वहाँ से मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं ओल्ड बस स्टैंड शिमला के, ये ओल्ड बस स्टैंड शिमला का बस स्टॉप है छोटा सा अपना, और अभी नाश्ता करेंगे उसके बाद अपने आगे का सफ़र शुरू करेंगे। पहले तो नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद अपना सफ़र शुरू करते हैं। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा ही बस स्टॉप है, बट बसेज आपको बहुत मिल जाएगी यहाँ से, अब जहाँ भी जाना हो आपको हर जगह के लिए बसेज मिल जाएगी। देखो मेरे को दिखाई दे रही है जाखू की, जाखू हिल्स, जहाँ पे बर्फ है, बर्फ तो बहुत है भाई, बर्फ तो बहुत है सच में। अरे भैया क्या बोलना चाह रहे हो, बोलना क्या चाह रहे हो, ये है बस स्टॉप आपका ओल्ड बस स्टैंड शिमला का। तो चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं भी क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, देखो कुफरी नारकंडा तो आपने देख लिया, आज आप देखो शिमला में कितनी बर्फ है कितनी नहीं है, सब कुछ पता लगेगा आपको इसी वीडियो में, तो बस कहीं मत जाना, बस वीडियो को पूरा देखना। हम ब्रेकफास्ट करने के लिए फिर से आ चुके हैं अमृत ढाबा, जो आपका ओल्ड बस स्टैंड के साथ में ही है, और देखो यहाँ पे आपको बुटेल धर्मशाला भी है और जैन धर्मशाला भी है, जहाँ पे सबसे सस्ते रूम कहा जाता है कि यहाँ पे 250 रुपये के रूम भी मिल जाते हैं, तो अगर आपको 250 रुपये के रूम मिलेंगे तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई, बुटेल धर्मशाला जैन धर्मशाला, और यहाँ पे हम खाना खाएंगे भी। A few moments later. हो चुका है और सामने मैंने आपको अभी बताया था पहले भी कि जैन धर्मशाला बुटेल धर्मशाला जहाँ पे सस्ते रूम मिलेंगे। तो चलो अभी चलते हैं मॉल रोड की तरफ और देखते हैं मॉल रोड का क्या नज़ारा है, इसका क्या नज़ारा है और कहाँ पे कितनी बर्फ है, तो चलो आप लोगों को भी ले चलते हैं। पंथाघाटी बोलते हैं, पंथाघाटी के लिए जाएगी यहाँ से बसेज ना, और यह जाएगा आपका सीधा मॉल रोड को, यहाँ से आपको पहले मिलेगा मिडिल बाजार, राम बाजार और लोअर बाजार सब कुछ ही। तो चलो लो जी हमने क्रॉसिंग कर दी, क्या बात है, और बस स्टॉप है आपका और ये जाएगा आपका सीधा बाजार की तरफ। भाई सुबह से बाजार नहीं खुला, हम इतनी जल्दी पहुंच गए गाइस, अभी 9 बजे 9 या 9:30 हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक कोई बाजार नहीं खुला अभी तक, और अब खुलना स्टार्ट हुआ है अभी सुबह का टाइम, और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो 10 बजे तक के बाद ही मार्केट खुलती है, और रात को तो 8-9 बजे तक होती है। वैसे तो कुछ की शॉप ओपन हो रही है और कुछ हो चुकी है, सुबह से कोई मार्केट खुली नहीं है, बस थोड़ी मार्केट खुली है, और जितनी बड़ी मार्केट शिमला की है उतनी बड़ी मार्केट तो ना भाई मैंने यहाँ पे अभी तक कहीं नहीं देखी। सोलन में भी है हमारे, बट इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, यहाँ पे तो बहुत बड़ी मार्केट है ये, बट अभी सुबह से खुली नहीं है ना, तो फिर मैं आपको क्या ही दिखाऊँ, अभी थोड़ी देर बाद खुलेगी तब मैं आपको बताता हूँ। अभी चलते शॉर्टकट और एक जगह मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जा रहे हैं ना मैं ऊपर, ये आपकी जैन धर्मशाला को जाएगा सीधा रास्ता, और ऊपर निकल जाएगा आपका मॉल रोड पे, शॉर्टकट बिल्कुल शॉर्टकट है, और सुबह से कोई नहीं है, अभी तो 9 बजे हैं, 9:30 का टाइम हुआ है और कोई नहीं है, कल स्नोफॉल हुआ अभी बट मुझे तो अभी तक कहीं नहीं दिखा, ना आपका मिडिल बाज़ार में ना लोअर बाज़ार में, कहीं नहीं दिखा ना गद बाज़ार में, ये जैन धर्मशाला यहाँ पे भी बड़े सस्ते रूम मिल जाते हैं भाई,
देखो जो धर्मशाला है ना वहाँ पे बहुत सस्ते रूम मिल जाते हैं। आप देख रहे होंगे ना ये टोपू और ये पूरा कवर गले के लिए, ये मम्मी ने लिया है मेरे को, उन्होंने देखा था ना शायद किसी यूट्यूबर के पास ही देखा होगा, फोन में देखा होगा कहीं, तो उन्होंने मेरे लिए ले लिया। अगर आपको भी ऐसा चाहिए तो मैं मम्मी को बोल दूँगा, वो आपको भी ऐसा ले देंगे। चढ़ाइए ना, ऊपर बात करता हूँ जी। हम पहुँच चुके हैं मॉल रोड, सुबह से कोई नहीं है, खाली पड़ा है बिल्कुल आपका मॉल रोड, ये देखो आप खाली पड़ा है ना, सुबह से ही कोई नहीं है। सांसें फूल गई, बिल्कुल चढ़ाई थी आने के लिए मेरे को, तो बस इस ब्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। और अब नेक्स्ट ब्लॉग में आगे का सफ़र देखोगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको एक ही वीडियो में आपकी 25-30 मिनट ले लूँ, 10 से 12 मिनट आपके मुझे चाहिए होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ का बताऊँगा कि कितनी बर्फ़ है कितनी नहीं है, हर एक चीज़। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं लाइक। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बर्फ़ बहुत है भाई, आज 21 तारीख है तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, पर प्यार से कमेंट करना ना भूलें।